नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। एमएस एक्सेल के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे क्लिपबोर्ड। तो एमएस एक्सेल का दो वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पर लोड किया है, पहले उसको देख लीजिए। ये तीसरा वीडियो है, यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड। इसको सीखने के लिए मुझे एक फाइल की जरूरत पड़ती है, तो मैं ऐसे फाइल को मैंने ले लिया हूँ। और लेने के बाद फाइल को मैंने ले लिया और इसको सीखने के लिए हमको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कैसे कैसे करेंगे, तो जैसे कि देखिए ये हमको ये इसको सेलेक्ट करना है, यानी कि इसको करना है सेलेक्ट। तो अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमको टोटल से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर ऐसे माउस को क्लिक करके यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको इसको खाली सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो जी पर क्लिक करते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अगर हमको इस पर क्लिक करते हैं इस पर, तो देखिए पूरा इसको भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा हो जाएगा सिलेक्ट, ठीक ना। और अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पूरा ये पूरा आपको वर्कशीट ही सिलेक्ट हो जाता है। और कहीं अदर जगह क्लिक करेंगे तो वो आपको हट जाएगा। जैसे जी पर क्लिक किए पूरा सिलेक्ट, अदर जगह क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अगर हमको कोई पार्टिकुलर सेलेक्ट करना है तो अपने इच्छा के अनुसार तो यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। दो को सेलेक्ट करना है तो जैसे यहाँ पर क्लिक किए और अगर अप डाउन एरो से भी नीचे कर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने शिफ्ट प्रेस कर दिया है एक हाथ से, जैसे हमको यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो से ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, इधर लेफ्ट ऐसे जा सकते हैं। जितना आपको सेलेक्ट करना है आपको शिफ्ट पकड़ के डाउन एरो आप एरो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, आप इस तरह से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अब इतना हो गया सिलेक्शन का। अब हमको क्या करेंगे, अब हमको सबसे ऑप्शन है कट। कट का शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। कट काहे के लिए करेंगे, अगर हमको इनका नाम नीचे हमको लाना है तो यहाँ से लेकर पूरा को सिलेक्ट कर लिए। अगर पूरा का हमको कट करना है तो पूरा को उसको कट कर दिए। कट करके फिर यहाँ पर आपको आ गए और यहाँ पर देखिए पेस्ट पर क्लिक करिए, कंट्रोल भी कीजिएगा तो आपको यहाँ डाटा पेस्ट हो जाएगा। तो कट काहे के लिए करेंगे, जब कट करेंगे यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट करना होगा तब कट करेंगे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हम लोग कट काहे के लिए करेंगे, कट के लिए हम काहे के लिए करेंगे, जब यहाँ से हमको कोई डाटा हटा के अलग जगह पेस्ट करना होगा तब कट करेंगे। वरना तो हमेशा का हटाना होगा तो सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। हमेशा के लिए हटाना होगा तो सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे, हमेशा के लिए ही हट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कट कब करेंगे, कट करेंगे जैसे माने कि सोनू को हटाकर हमको सोनू को डाटा हटा कर नीचे रखना है, जैसे कट करेंगे और जहाँ रखना है वहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देगा तो वहाँ आपका पेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपको खाली जगह हो गया, तब चाहते हैं कि राम वाला ऊपर लेके आ जाए तो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे कट कर देंगे। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो राम ऊपर आ गया। और फिर यहाँ से इसको सिलेक्शन बनाएंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, इसमें आएंगे, यहाँ से पेस्ट कर देते। इस तरह से आप आगे पीछे कोई भी डाटा को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं क्या कि यहाँ से इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से कॉपी कर ले, तो कॉपी से क्या हो जाएगा, कॉपी से इसका कॉपी हो गया, कहीं भी इसको डाटा को अलग जगह इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी से क्या होता है, एक बार कॉपी जिसको डाटा को कर लेंगे तो अलग जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। मैं फिर यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब यहाँ से हमें इसको कट करना था, कट कर लिए, इस सेल में हमको नहीं रखना था, इस सेल में रखना था, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया, ये हो गया। अब चाहते हैं कि 100, 2, 3, 4 बार हमको लिखना है तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर इस सेल में आके यहाँ पे पेस्ट मारेंगे तो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। पेस्ट से क्या होता है, एक बार कॉपी करके जैसे फोटो कॉपी कैसे कराते हैं उस तरह से पेस्ट का कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला नेक्स्ट ऑप्शन क्या है,
अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन किया है, यहाँ पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मनोज यहाँ पर कॉपी कर लिए, राम को भी कॉपी कर लिए, काजल को भी कॉपी कर लिए, रवि को भी कॉपी कर लिए और सोनू को भी कॉपी कर लिए। अब हमको देखिएगा, हम यहाँ पर इसको 100, अब यहाँ पर हम टैप 200 लिख रहे हैं, 200 को कॉपी किए, हमको 200 चाहिए तो यहाँ पे पेस्ट किए तो 200 आ गया। हम चाहते हैं कि ये जो काजल के भी हम कॉपी किए थे तो इसको पेस्ट करें, तक इसको पेस्ट के काजल को यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 200 ही आ रहा है। काजल इस सब को मैंने कॉपी किया था तो इसके लिए हम लोग उपयोग करेंगे क्लिप बोर्ड के ये ऑप्शन को, ठीक है ना। ये ऑप्शन को जब हम लोग क्लिक करेंगे, अब आपको मैं दिखाता हूँ। क्लिक करके जैसे इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको भी 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 मैंने कॉपी कर लिया। और अब हमको देखिए जिसको ना हमको जिस नाम को हमको यहाँ पर जरूरत पड़ता है, जैसे यहाँ पर हमको जरूरत पड़ा आपको रवि को यहाँ पेस्ट कर दिया, हमको जरूरत पड़ा मनोज को तो पेस्ट कर दिया, हमको जरूरत पड़ रहा है सोनू को तो पेस्ट कर दिया यहाँ पर कुछ आप, और फिर इसको कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग हम लोग करेंगे जो कि बहुत इसका बेनिफिट होता है इसका। यहाँ से आपको क्लियर ऑल भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो हटा भी सकते हैं। तो क्लिप बोर्ड का यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट यूज होता है। तो आपको आई होप, उम्मीद करता हूँ कि कट कॉपी पेस्ट आप समझ गए होंगे। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।